जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ की इस विशेष प्रस्तुति में। श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण रंगिया असम में संपन्न हुए इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या परम पूज्य आरिका रत्न 105 श्री गरिमामती माता जी एवं परम पूज्य आरिका 105 श्री गंभीरमती माता जी का ससंग पावन सानिध्य रहा। महोत्सव के प्रथम दिन सर्वप्रथम जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक संपन्न हुआ। अभिषेक उपरांत आरिकाश्री के मंगल आशीर्वाद से पंच कल्याणक की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम घट यात्रा निकाली गई, जिसमें सौभाग्यशाली महिलाएं मुख्य रूप से शामिल हुईं। विविध मार्गों से होती हुई यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां विशेष हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। इसी कड़ी में आगे पंडाल एवं मंच उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होने के बाद सभी भक्त यथास्थान विराजित हुए और सौभाग्यशाली परिवार ने दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण संपन्न किया। इस नृत्य प्रस्तुति के बाद श्रीजी को भक्तिपूर्वक लाया गया और विधान पूजन आनंद के साथ संपन्न किया गया। महोत्सव में आगे भक्तिभाव से तीर्थंकर प्रभु के माता पिता की गोद भराई की गई। सायंकाल आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। सभी भक्तों ने भक्ति करते हुए खूब धर्म लाभ लिया।
जो अत्यंत दुर्लभ है, सम्यक तत्व किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतः एवं प्रत्येक पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। धन्य मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं भी धन्य हो गई। जब आप धन हो गए तो क्या विचार है? हम इस सम्यक दर्शन के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे और अपना कल्याण करने की हम भक्ति करते। अरे किसने मना किया, कीजिए ना भक्ति। हाँ जी, और किस नंबर का केंद्र आता है? महोत्सव के दूसरे दिन तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक भक्ति भाव से मनाया गया, जिसमें जन्माभिषेक की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद पांडुकशिला पर तीर्थंकर भगवान का भव्य जन्माभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भक्तों ने भक्तिभाव से तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। तदोपरांत युवराज का राजतिलक हुआ एवं अनेक क्षेत्रों से राजाओं ने आकर बधाई दी। हमारे 24 देवता
19 तीर्थंकरों ने शादी की और 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसे विधि विधान के अनुसार 24 ही तीर्थंकर शादी करते हैं, किंतु ये हुंडा सर्पिणी काल का दोष है कि 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता है तब तक संतति परंपरा कैसे चल सकती है। बिना विवाह के आप यदि बालक उत्पन्न ही नहीं होगा तो आगे धर्म परंपरा को कौन चलाएगा। इसलिए धर्म परंपरा को चलाने के लिए विवाह करना आवश्यक है। 83 वर्ष पूर्व तक राज्य का संचालन किया, 80 मसीह क्रांति या सट कार्य करने को सिखाना। जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था तब यहाँ पर लोग किसी प्रकार का कार्य करना जानते नहीं थे। आदिनाथ भगवान ने आवधि ज्ञान लगा करके विदेश क्षेत्र में जो जो व्यवस्थाएं चल रही थी, जिसको सट कर्म कहते हैं, उस सट कर्म व्यवस्था को यहाँ पर चलाया। ओम रे तीर्थंकर उपदाग्रे लिंतम नृपाम चे, ओम रे तीर्थंकर उपदाग्रे दीपम नृपाम चे, ओम ओम रे मति सुति मज प्रज्ञान प्रतिष्ठापनाय दीपाश्रम करोमि नमः स्वाहा। मुझे आज ही पता चला कि यहाँ पंच कल्याण का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने कोई आने का प्रोग्राम नहीं बनाया, फिर भी अपने आप रंगिया समाज ने मुझे यहाँ टान के ले आया ऐसा लगता है। और मैं रंगिया समाज के साथ हूँ और आज इस कार्यक्रम में जो इस भवन की नींव डाली जा रही है, डाली गई है, उसके लिए झूमरमल कन्नालाल गंगवाल हाथीगोला परिवार की तरफ से 5 लाख देने की घोषणा करता हूँ। सायंकाल आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। सभी भक्तों ने भक्ति करते हुए खूब धर्म लाभ लिया। महोत्सव के अंतिम दिन अवसर था महामुनि को आहार दान देने का, जिसमें परम सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु को आहार दान देकर अपना जीवन धन्य कर लिया। आहार उपरांत मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं संपन्न हुई। दक्षिण गंड प्रदेश स्वाहा।
महोत्सव समापन के अवसर पर भक्तों ने आरिका संघ की भक्ति करते हुए उनका पाद प्रक्षालन किया और उनका परम आशीष प्राप्त किया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये पावन पंच कल्याणक। पूज्य आरिका रत्न 105 श्री गरिमामती माता जी एवं आरिका 105 श्री गंभीरमती माता जी ससंघ के पावन सानिध्य में इसी तरह धर्म की प्रभावना होती रहे, इस मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।